हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लेके प्रेगनेंसी में आप काफ़ी परेशान रहते हो कि आखिर हमें बार बार यूरिन क्यों आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो, क्या हम कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं और कब ये खतरे का निशान है और तुरंत हमें अपनी गायनेक को मिलना है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे पहला जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें यूट्रस आपका पेल्विक ऑर्गन होता है। जो जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है वैसे वैसे वो ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। सेकेंडली, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। इसकी वजह से जो ब्लैडर का स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है और साथ ही साथ में ब्लैडर की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए आपको हर थोड़ी देर पे लगता है कि आपको यूरिन करने जाना है। सेकेंडली, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें हेड की वजह से यूट्रस का साइज तो बड़ा ही हो जाता है, हेड जो होगा वो ब्लैडर को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से आपको सेंसेशन आएगी कि आपको यूरिन जाना है। कई बार तो यूरिन नहीं भी पास होता, सिर्फ आपको सेंसेशन होती है कि आपको यूरिन लगी है। तो ये सब कुछ कॉजेज थे जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन पास करने जैसा लगता है और आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। देखिए, अब क्योंकि बार बार अगर आपको यूरिन पास करने जाना होता है तो उसकी वजह से आपकी रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो आप एक टिप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप दिन भर पानी तो बहुत अच्छे से पियो, जैसे आपको 3 से 4 लीटर्स पानी पीना है तो आप दिन भर पानी अच्छे से पियो, लेकिन रात के टाइम पर पानी ना पियो। सोने से कुछ देर पहले से पानी पीना बंद कर दो, जिसकी वजह से आपको रात को बार बार उठना ना पड़े और आप अच्छे से सो सकते हो। अब कब आपको अपनी गायनेक को कंसल्ट करना है? देखिए, अगर आपको यूरिन पास करते टाइम पेन हो रहा हो या फिर फीवर आ रहा हो या फिर कोई बदबू आ रही हो यूरिन पास करते टाइम, या फिर आपको इचिंग हो रही हो, या तो यूरिन पास करते टाइम उस वाले एरिया में हो रही हो या फिर वजाइना में कोई इचिंग हो रही हो, यूरिन का कलर चेंज हो गया, आपने ब्लड नोटिस किया कि ब्लड आ रहा है यूरिन में, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली होता है। तो उस केस में आपको तुरंत अपने गायनेक से कंसल्ट करना है, क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और अगर इसका ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो ये पाइलोनेफ्राइटिस भी कर सकता है, यानी कि किडनी का इन्फेक्शन भी कर सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। इसका आपके बेबी और आप पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है, फीवर है, पेन है, इचिंग है या फिर बर्निंग हो रही है, कोई भी सिम्टम है या फिर बदबू आ रही है, फाउल स्मेलिंग आ रही है, तो आपको तुरंत अपनी गायनेक को कंसल्ट करना है, जो वो ट्रीटमेंट एडवाइस करें वो सारा ट्रीटमेंट फॉलो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी तो आपको लेना ही है। सो फ्रेंड्स, मेरा एक टेक होम मैसेज यही रहेगा कि आपको जो बार बार यूरिन आ रही है उससे डरने की कोई भी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है प्रेगनेंसी का, इसमें कोई भी खतरे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको बार बार यूरिनेशन, इन सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, फीवर, पेन, फाउल स्मेलिंग, ब्लड हो गया, इचिंग हो गई, इनके साथ एसोसिएटेड है, तो आपको तुरंत अपनी गायनेक से मिलना है और उनके ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, आज हमारी ये शॉर्ट वीडियो थी कि आपको बार बार प्रेगनेंसी में क्यों बाथरूम आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।